तो आईसीएल सीजन 6 का मैच नंबर 75 हो गया मुंबई सिटी एफसी वर्सेस जमशेदपुर एफसी। इस मैच में मुंबई सिटी एफसी ने 2 गोल लगाकर जीत हासिल किया। दूसरी तरफ जमशेदपुर एफसी 1 गोल लगाकर हारा, साथ साथ उनका प्ले ऑफ का सपना भी समाप्त हो गया इस सीजन के लिए। अब उनके पास कोई भी मौका नहीं है आगे जाने के लिए, क्योंकि मुंबई सिटी एफसी ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉइंट अब बना लिया है अपने पक्ष में। चलिए इस मैच के बारे में और भी डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो अगर पहले हाफ की बात किया जाए तो पहले हाफ में मुंबई सिटी एफसी और जमशेदपुर एफसी दोनों ही बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करने लग गया था। ज़्यादा एग्रेसिव जमशेदपुर एफसी लग रहा था और उसके ही चलते 7 मिनट के अंदर एक पेनाल्टी शॉट दे बैठा मुंबई सिटी एफसी जमशेदपुर एफसी को, और जमशेदपुर एफसी के नियो कॉस्टा ने उस शॉट को गोल में तब्दील कर दिया और वहीं से ही 1-0 से बढ़त ले लिया था जमशेदपुर एफसी। और उसी तरह के दोस्तों परफॉर्मेंस देकर जमशेदपुर एफसी ने पहले हाफ को ख़त्म किया। उतना ज़्यादा हलचल हमें देखने को नहीं मिला, बहुत सारा शॉट ऑन टारगेट था, बहुत सारा चांस क्रिएट किया था दोनों टीमों ने, लेकिन गोल नहीं मार पाया फर्स्ट हाफ में। उसके बाद सेकंड हाफ शुरू होते ही हमें बहुत ही अच्छा खेल देखने को मिला मुंबई सिटी एफसी की तरफ से। मुंबई जबरदस्त अटैक कर रहा था, जबरदस्त चांस क्रिएट कर रहा था, डियागो कार्लोस का कुछ जवाब ही नहीं था, उन्होंने बहुत सारा चांस क्रिएट करके दिया और एक कॉर्नर शॉट में हेड देकर चिरमिटी ने 60 मिनट में 1 गोल लगाकर इस मैच को बराबरी पर ले आया। और इसके बाद गोल लगाने के बाद मुंबई सिटी एफसी रुका नहीं, वो जबरदस्त अटैक कर रहा था, एग्रेशन दिखा रहा था अपने खेल में। दूसरी तरफ जमशेदपुर एफसी थोड़ा बहुत फीका पड़ गया था मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ में, और उसे ही करते करते जब इंजरी टाइम आया वहां पर विद्यानंद ने मुंबई सिटी एफसी की तरफ से 1 और गोल लगाकर इस मैच के विनिंग गोल ले आया और यहीं से ही मुंबई सिटी एफसी जीत गया इस मैच को। दूसरी तरफ जमशेदपुर एफसी कुछ नहीं कर पाया, उनका जो सपना था इस सीजन में टॉप 4 में जाने के लिए वो पूरी तरीके से अब एंड हो चुका है इस हार के साथ। तो यह रहा मुंबई सिटी एफसी और जमशेदपुर एफसी मैच के बारे में थोड़ा बहुत बातचीत। आपको मैच कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए। मुझे तो मैच बहुत ही अच्छा लगा, मुंबई सिटी एफसी का सेकंड हाफ में जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव था। और अब चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि आईसीएल सीजन 6 का 76 नंबर मैच होगा। नॉर्थ यूनाइटेड एफसी वर्सेस ग्रेटर एफसी। नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के होम ग्राउंड पर मैच खेला जाएगा, शाम 7:30 बजे से मैच स्टार्ट हो जाएगा। आप अगर चाहो तो इस मैच को ऑनलाइन हॉटस्टार पर देख सकते हो, टीवी में आपको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क फॉलो करना पड़ेगा। तो इस मैच पे दोनों टीमों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। नॉर्थ यूनाइटेड एफसी का भी जो टॉप 4 का सपना था वो खत्म हो चुका है और कैडवेस्टर का भी खत्म हो चुका है, और मुझे लग रहा है कि दोनों टीम इस मैच पे ऑल आउट खेलने वाला है। जबरदस्त इंटरटेनिंग मैच हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें गोल भी दिख सकता है इस मैच पे। दोनों टीमों के अगर हेड टू हेड बात किया जाए तो टोटल 11 मैच हुआ है, 3 पर जीत हासिल किया है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी, 5 पर जीत हासिल किया है कैडवेस्टर एफसी, 3 मैच ड्रॉ हुआ है, 7 गोल लगाया है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी और 12 गोल लगाया है कैडवेस्टर एफसी। तो अभी तक तो पलड़ कैडवेस्टर एफसी का ही भारी रहा है दोनों टीमों का अगर हेड टू हेड देखा जाए तो। नेक्स्ट चलिए हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों के टीम अपडेट के बारे में। सबसे पहले होम टीम नॉर्थ यूनाइटेड एफसी की अगर बात किया जाए तो नॉर्थ यूनाइटेड एफसी का शुरुआत बहुत ही अच्छा रहा था इस सीजन में, लेकिन उसके बाद इनका परफॉर्मेंस बहुत ही डाउन चला गया। नवंबर से 1 भी जीत इन्होंने हासिल नहीं कर पाया, उसके बाद इनके होम ग्राउंड पर भी मैच नहीं हुआ है अभी तक इस न्यू ईयर में। तो एक बहुत ही अच्छा मौका है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के लिए अपने फैनों को खुश करने के लिए, वो एक अच्छा परफॉर्मेंस अगर इस मैच पे इनपुट करता है तो रिजल्ट जरूर आएगा। जब से ज्ञान इंजरी हुआ है इनका फिनिश नहीं आ रहा है, गोल नहीं आ रहा है, तो मार्टिन चवास उसके बाद क्योंग इन सभी खिलाड़ी को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, अच्छा कोशिश करना पड़ेगा। गल्ले को भी अभी तक फॉर्म में नहीं आया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस मैच पे गल्ले को भी कोशिश करेगा, अपना 100% देगा कि अभी तक तो एक भी मैच अपने जीता नहीं है, तो थोड़ा बहुत होम ग्राउंड पर अच्छा परफॉर्मेंस देकर जीत हासिल करके फैनों को खुश कर सकते हो यार। एक बार तो जीत लो, लगातार 4 मैच आप लोग हार चुके हो तो एक मैच आपको जीतना ही पड़ेगा अपने फैनों के लिए और ज़बरदस्त कोशिश दिखाना पड़ेगा। हालांकि अभी वो नहीं जा सकते हैं टॉप 4 में, लेकिन फिर भी जो भी मैच बचा हुआ है उनमें अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो नेक्स्ट सीजन के लिए अच्छा साइन आ सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट अगर बात किया जाए कैडवेस्टर एफसी के बारे में तो कैडवेस्टर एफसी हैदराबाद एफसी को 5 गोल लगाकर हराया, उसके बाद एटीके को हराया, उसके बाद थोड़ा बहुत इनका परफॉर्मेंस डाउन गया, एक मैच ड्रॉ किया, और उसके बाद चेन्नई एफसी ने 6 गोल लगाकर इनका सपना चकनाचूर कर दिया टॉप 4 के लिए। इस सीजन में अब कैडवेस्टर एफसी नहीं जा पाएगा टॉप 4 में, लेकिन अपने फैनों के लिए अच्छा परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा इस मैच पे नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के विरुद्ध, क्योंकि यहाँ पर बार्थोलोमी ओगबेचे भी खेल चुका है और साथ साथ उनका जो हेड कोच है एल्गो सिटी वो भी भली भांति जानता है इस ग्राउंड को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो एडवांटेज नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के पास है उस तरह का ही एडवांटेज मौजूद है कैडवेस्टर एफसी के पास, और रेड हॉट फॉर्म में भी चल रहा है
है ओगबेचे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा गोल उम्मीद करते हैं उनके तरफ से इस मैच पे। लेकिन एक कंसर्न की बात यह है कि यहाँ पर राफेल मेसी बाउली का साथ नहीं मिलेगा ओगबेचे को, उनके ऊपर सस्पेंड लगा हुआ है। ये एक हो सकता है फैक्ट कैडबस्टर एफसी के लिए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि फिर भी ये मैनेज कर लेगा इस मैच पे एक जीत। और अब चलिए हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों का किस तरह का प्लेयर भंड रहेगा इस मैच पे उसके बारे में। सबसे पहले होम टीम अगर नॉर्थ यूनाइटेड एफसी की बात किया जाए तो इनका फॉर्मेशन में सेट कर रहा हूँ 4-2-3-1। गोलकीपर में रहेगा सुभाषिस, राइट बैक पर होगा राकेश प्रधान, उसके बाद सेंटर बैक पर रहेगा कोमोस्की के साथ वेनबाज, और लेफ्ट बैक पर होगा प्रभात लखरा। सेंटर डिफेंस मिडफील्ड पर रहेगा लेवडो के साथ लालडिंग मोवा, और उसके बाद सेंटर अटैक मिड पर मौजूद रहेगा गलेगो, राइट विंग पर होगा नींथो, लेफ्ट विंग पर रहेगा लुंडेवाल और स्ट्राइकर की भूमिका में कियोग। नेक्स्ट अगर कैडेबल स्टेडियम की बात किया जाए तो इनका भी फॉर्मेशन 4-2-3-1 हो सकता है इस मैच पे। गोलकीपर में रहेगा टीपी रहनेस, उसके बाद राइट बैक पर रहेगा राकिब, सेंटर बैक पर रहेगा जुवेल उनके साथ ड्रोवाडोव, लेफ्ट बैक पर रहेगा जयसाल, सेंटर डिफेंस मिडफील्ड पर मौजूद रहेगा सीडो के साथ निंग या जैक्सन भी हो सकता है, सेंटर अटैक मिडफील्ड पर रहेगा अब्दुल समद, और उसके बाद राइट विंग पर रहेगा सिक्ता सेन, लेफ्ट विंग पर रहेगा नर्जरी, स्ट्राइकर के भूमिका में ओगबेचे। तो ये रहा मेरी तरफ से दोनों टीमों का प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 इस मैच के लिए। आप लोग क्या सोच रखते हो प्लेइंग 11 के बारे में? आपके मन में अगर कोई भी ऐसा प्लेइंग 11 हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिए। उसके बाद अगर विनिंग चांसेस की बात किया जाए तो बहुत ही हार्ड है, फिर भी मैं जा रहा हूँ इस मैच पे कैडबस्टर एफसी के साथ। कैडबस्टर एफसी का जीतने का चांस रहेगा 55%, नॉर्थ यूनाइटेड एफसी का रहेगा 45%। आप लोग क्या सोच रखते हो विनिंग चांसेस के बारे में वो भी कमेंट करके मुझे बता दीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।